नमस्कार, गमासान हेल्थ टिप्स में आप सभी का स्वागत है। कई बार कुछ बीमारियों में एलोवेरा का लेना बीमारी को बढ़ा देता है। वहीं प्रेगनेंसी में भी एलोवेरा से दूरी रखनी चाहिए, क्योंकि इसका इंफेक्ट भी बहुत अच्छा नहीं पाया गया है। एलोवेरा के इस्तेमाल में सावधानी बरतें, वरना आपको बड़ी बीमारी हो सकती है। एलोवेरा का इस्तेमाल आजकल काफ़ी ज़्यादा किया जा रहा है, लेकिन आपने अभी तक सिर्फ एलोवेरा के फ़ायदे के बारे में सुना होगा। इसे चेहरे पर लगाने से लेकर एलोवेरा जूस पीने तक आप सिर्फ इसके लाभ के बारे में ही जानते होंगे, लेकिन क्या आप कभी आपने इसके नुकसानों के बारे में सुना है? आपको बता दें, कई बार कुछ बीमारियों में एलोवेरा को लेना बीमारी को बढ़ा देता है। वहीं प्रेगनेंसी में भी एलोवेरा से दूरी रखनी चाहिए, क्योंकि इसका इफेक्ट भी बहुत अच्छा नहीं पाया गया है। आइए जानें फायदे की जगह नुकसान के बारे में। एलोवेरा के जूस को ये समझकर ज़्यादा मात्रा में या बार बार पीते हैं कि ये सेहत के लिए फ़ायदेमंद है, तो सही नहीं होगा। एलोवेरा फ़ायदेमंद है, लेकिन सीमित मात्रा में। एलोवेरा का अगर ज़रूरत से ज़्यादा लिया जाए तो शरीर में पोटेशियम की मात्रा को कम कर देता है। एलोवेरा जेल के ज़्यादा इस्तेमाल से स्किन पर रैशेज, खुजली और रेडनेस हो सकता है। कई लोग सुबह सुबह कुछ घूंट एलोवेरा जेल पीते हैं, ये सोचकर कि उनका वज़न कम होगा और शरीर स्वस्थ बनेगा। बाज़ारों में भी तमाम तरह के एलोवेरा जूस मौजूद हैं। आपको बता दें, इस जूस से आपको डिहाइड्रेशन की परेशानी भी हो सकती है। एलोवेरा में लैक्सेटिव और एंथ्राक्विनोन जैसे ऐसे तत्व होते हैं जो डायरिया के लिए ज़िम्मेदार होते हैं, इसलिए इन्हें इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम या गैस की समस्या है, उन्हें एलोवेरा का यूज़ नहीं करना चाहिए। एलोवेरा का लगातार सेवन ब्लड प्रेशर को लो कर सकता है। ये बेशक हाई बीपी से परेशान लोगों के लिए अच्छा हो, लेकिन लो ब्लड प्रेशर से परेशान लोगों के लिए ये परेशानी की वजह बन सकता है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।